अभी तक कोई हीरोइन और कोई हीरो शायद अपने पिताजी के नाम से ट्रेन नहीं चलवाया होगा, फिर अपने राज्य के लिए अपने जिले के लिए कुछ नहीं किया होगा ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के नाम से जो कैफियत एक्सप्रेस उन्होंने चलवाया। कोई डीएम बचा नहीं है तो जो इनसे मतलब मिलने ना आया हो? जी हाँ नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मौजूद हूँ मैं आजमगढ़ जिला में और उस शख्स के यहाँ जो भारत की बहुत चर्चित हिंदी जगत की अभिनेत्री हैं जिनका नाम है शबाना आजमी। आप देख सकते हैं उनके पिताजी का नाम है कैफी आजमी फतेह मंजिल। तो आइए हम अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं और उनके जो बिल्डिंग है उनके घर में उनके परिवार में कौन कौन इस वक्त मौजूद है सारी चीज़ें और सारा ब्यौरा हम आपको दिखाते हैं। हिंदी जगत की वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपना परचम लहराया है उनके ही नाम से, बल्कि ऐसे अभिनेत्रियों पर हमें गर्व होता है क्योंकि वो अभिनेत्री हमारे देश की जिन्होंने अपने पिताजी के नाम से आजमगढ़ से लेकर राजधानी तक उन्होंने एक ट्रेन चलवाया जिसका नाम कैफियत एक्सप्रेस है। अपने आप में बहुत गर्व की बात है अगर सारी अभिनेत्रियां इस तरीके से हो जाएं, कुछ काम करने लगे अपने समाज के लिए अपने देश के लिए, तो हमारा देश कहीं कहीं आगे जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए फोकस के जरिए इसके द्वारा फोकस करिए हम करवाना चाहेंगे, देख सकते हैं नज़ारा और उनका जो बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में कौन रहता है और कौन देखभाल करता है, क्योंकि जब बड़े लोग होते हैं तो शायद वो अपने समय को अपने घर पे नहीं दे पाते क्योंकि उनका आना जाना मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है। तो आइए हम दिखाते हैं कैसे कैसे उनके घर के दृश्य हैं और कितना सुनहरा और मनभावन दृश्य है। आप देख सकते हैं उनके यहाँ जो प्रतिमाएं कुछ लगी हैं फतेह हुसैन की लगी हैं जो उनके पूर्वज होंगे, कोई ना कोई जरूर रिश्ता होगा इनसे। और कैफी आजमी आप देख सकते हैं उनके पिताजी का जो ये मूर्तियां बनी है स्टैचू बनी है उनका है और देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। और आइए हम बात करते हैं उनके घर में जो उनकी रखवाली उनकी देखभाल करने वाले चाचा जी एक है वहाँ पे और उनसे बात करते हैं और कैसे व्यतीत करते हैं, किस तरीके से देखभाली करते हैं और कब आती हैं और कब जाती हैं, उनका रहन सहन कैसा, आइए सब चीज़ों से बात करते हैं। चाचा जी बैठ जाइए थोड़ा। अरे चाचा जी वो तो सही है लेकिन क्या किया जाए, आपकी जिम्मेदारी जो है आप तो करवे करेंगे। और आइए हम सबसे पहले हमारे चैनल पे चाचा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारे लिए इतना कीमती वक्त दिया है और बात करने की कोशिश की है, हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। चाचा सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है हमारे चैनल पे। और आप भी कुछ कहना चाहेंगे दर्शक से? अब क्या कहें, देखिए ये मकान नहीं बना था, हाँ उसके पहले एक साल पहले से हम हैं यहाँ। अच्छा जैसे मतलब हम पूछ रहे हैं जैसे उनके बारे में, जैसे आप यहाँ इस क्षेत्र में तो सब कैफी आदमी का काम है। कैफी आदमी का MLA और MP का कुछ नहीं यहाँ हमारे गांव के अंदर है। अच्छा अच्छा हाँ। मतलब जो कैफी आदमी, कैफी आदमी मतलब शबाना आजमी जी के पिता है? हाँ कैफी आदमी शबाना आजमी। अच्छा वो फिल्म इंडस्ट्रीज में मतलब कुछ थे, डायरेक्टर वगैरह थे कुछ? अच्छा गीतकार थे कैफी आदमी, गीत लिखते थे उसमें गाना सब भरते थे। अच्छा अच्छा शायर तो है ही है ये, विश्व प्रसिद्ध शायर हैं और वही काम करते हैं उसी के जरिए सुप्रसिद्ध भी है। हाँ रूस में मुशायरा था पूरे विश्व का। हाँ हाँ उर्दू में ये सबसे नंबर एक पर थे, नंबर एक पर थे क्योंकि पूरे विश्व में परचम लहरा रहे। हाँ इनका वही है। तो अभी जीवित हैं कि नहीं? नहीं ये 2002 में एक्सपायर। अच्छा अच्छा निधन हो गया, बहुत दुख की बात है। तो जो कि और जो उनकी बेटी है शबाना आजमी तो यहाँ उनका आना जाना रहता है बराबर? हाँ साल में 2-3 बार तो है ही है उनका आना जाना, 2-3 बार आती है। सोसाइटी है उनकी चल रही। अच्छा अच्छा इंटर कॉलेज तो, चल रहा है लड़कियों का। अच्छा उनके पति वगैरह हैं? पति जावेद साहब हैं। जावेद साहब वो भी किसी पद पे थे? वो भी तो शायर हैं गीतकार हैं। अच्छा शायर है मतलब उनके अभी मतलब औलाद वगैरह हैं? जावेद साहब के तो औलाद हैं। और शबाना जी मतलब उनके साथ ही रहती हैं कि? साथ में हैं दोनों लोग। अच्छा अच्छा तो आते होंगे फैमिली के साथ आते होंगे? नहीं नहीं अलग हो गए क्या? नहीं नहीं शबाना जी अकेले आती हैं, वो बम्बई में रहते हैं, पहले आते थे इस बार, इधर तो 10 साल से नहीं देखा गया। अच्छा अच्छा 10 साल से तब मतलब यूपी में तब से नहीं आए। तो और जो उनका सुनते हैं कि मतलब यहाँ बहुत बड़ा योगदान है उन, अभी तक कोई हीरोइन और कोई हीरो शायद अपने पिताजी के नाम से ट्रेन नहीं चलवाया होगा, फिर अपने राज्य के लिए अपने जिले के लिए कुछ नहीं किया होगा ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी के नाम से जो कैफियत एक्सप्रेस उन्होंने चलवाया है। वो चल तो रही थी, नाम इन्हीं का है कैफी साहब का, जितना वो बड़ी
छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन जब हुई तो कैफी साहब ने ही अच्छा उसमें पूरा योगदान किया। ये हमारा खुरासन रोड जो हाल्ट हो रहा था तो उसको जंक्शन करवाए, अच्छा, सब कुछ कर, बड़ी लाइन का उद्घाटन तो इन्होंने ही किया आजमगढ़ से। अच्छा अच्छा कैफी साहब, कैफी साहब किए थे जी जी जी। और कैफी साहब ये देखिए कोई ऐसा रोड नहीं बनवाता, ये PWD से है रोड। अच्छा, ये तहसील के बगल से, तहसील बगल से जो यहाँ तक आया है। हाँ, PWD कॉलोनी छोटी थी, बिजली बड़ी कॉलोनी करवाए, यहाँ प्राइमरी स्कूल से लेकर और ये बच्चियों का है 8 तक अलग, बच्चों का अलग, प्राइमरी अलग। अच्छा अच्छा बहुत काफी इन्होंने गांव के लिए किया, बहुत बड़ा योगदान इनका। जिले में भी बहुत सारा काम किया। अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कोई गरीबों के लिए सहायता राशि वगैरह कुछ कोई मदद वगैरह करते हैं? सहायता राशि की तो हम नहीं जानते, लेकिन गरीबों के ही ये मसीहा थे। अच्छा अच्छा, गरीबों के मसीहा थे। हाँ, पूरे कई 100 लोग का काम एक साथ करते थे, पर्सनल काम में थोड़ा दिलचस्पी नहीं था। अच्छा अच्छा, जो सोसाइटी चलवा रहे हैं तो वो सोसाइटी मतलब लड़कियां औरतें सीखती हैं, लड़कियां सीखती हैं कढ़ाई, उसके अच्छा। बाद सीखने के बाद उनको पैसा मिलता है। अच्छा, जब कपड़ा कहीं 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 जॉब लग जाता है उनका, कपड़ा आता है, बनता है। अच्छा, बनता है यहाँ से, मतलब जॉब भी करती हैं, सीखती भी हैं, मतलब रोजगार भी मिलता है। रोजगार मिलता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इतने बड़े बिल्डिंग में मतलब बहुत ही सुनहरा और बहुत ही भावुक और बढ़िया और नज़ारा है इसका, तो आप अकेले ही रहते हैं? मैं अकेले रहने वाला हूँ। अच्छा, वैसे तो बहुत से अब नौकर हैं उनके पास। अच्छा, लेकिन इसमें मैं पारिवारिक तौर पे हैं, आप हैं? अकेले हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ये सब पेड़ पौधे मेरे ही लगाए हैं। अच्छा, आपने? पेड़ नहीं है बाकी सभी, तो टोटल जितने पेड़ लगाए हैं आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए, जितना सब यहाँ सुनहरा दृश्य वाला जो पेड़ पौधे हैं, फुलवारी वगैरह हैं, आप देख सकते हैं चाचा जी के द्वारा, चाचा जी के हाथों के द्वारा लगाया गया है। और इतना भव्य दृश्य लग रहा है, कोई भी आएगा यहाँ पे जाने का मन नहीं करेगा। तो हम चाहेंगे अगर आप भी घूमना चाहेंगे तो ऐसे दृश्य का, ऐसे नज़ारों का आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर पहुँच नहीं सकते तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप भी उस हीरोइन का, उस परिवार का दीदार कर सकें जो आज हमारे देश के लिए कुछ ने, उन्होंने, उनके पिताश्री ने और उन्होंने खुद किया है। तो हम बात करते हैं चाचा जी से, यहाँ जो रहने का चाचा जी, मतलब जो आपका मान लीजिए परिवार तो नहीं रहता, आप ही रहते हैं, तो किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेतन मान वगैरह सही से देते हैं? हाँ, वेतन जो है उसमें है ही क्या है? अच्छा अच्छा, घर मतलब जो दरवाजे लगे हैं बंद है, मतलब उसमें जैसे नहीं, देख रेख पूरा अंदर तक हम करते हैं, मतलब आप, आपको पूरा एंट्री है, घर में जा सकते हैं? जा सकता हूँ, नहीं चाबी है। अच्छा, चाबी भी है आपके पास? लेकिन उसके पास सफाई करने वाली आती है ना। अच्छा अच्छा, झाड़ू पोछा करते हैं रोजाना? रोजाना डेली। अच्छा अच्छा, कई नौकर मतलब हैं? बहुत हैं। नौकर की बात नहीं है, सब अलग अलग अपने काम पे हैं। अच्छा, अलग अलग काम पे है, तो मतलब सैलरी किस, मतलब हाथों हाथ देते हैं कि अकाउंट में? अकाउंट में, अकाउंट में जाता है सबका। जी जी, और जैसे त्योहारी वगैरह हो गया, कुछ त्योहारी भी देते हैं? त्योहारी वोहारी की कोई खास बात नहीं है। हाँ, लेकिन तनख्वाह सबकी है। अच्छा, तनख्वाह सबकी है। वो जब थे ना कैफी साहब, तब इतने नौकर नहीं थे। अच्छा, और भाई उनकी और उनके पत्नी की जो है मियाँ बीवी जो थे उस पे हमारा बहुत काफी वो था, आप कम। अच्छा, काफी रिश्ता था, अच्छा था संबंध था, अच्छा आपका लेन देन काफी था। अच्छा अच्छा, अब तो सभी को तनख्वाह है। अच्छा, अब अच्छा। उसमें भी तो बहुत नौकर हैं, उसमें सोसाइटी में? सोसाइटी में बहुत है, 4-5 तो मैनेजर हो गए हैं उसमें, 4-5 मैनेजर हैं। हाँ, स्कूल से लेके वहाँ तक 4-5 मैनेजर हैं। अच्छा अच्छा, ये 2 लोग दिल्ली बैठे तो जो, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, समझ सकते हैं। तो जो आप, हाँ जो आप मतलब दरवाजे सब जो बंद रहते हैं, खुले रहते हैं, सब आपके हाथ में है ताला चाबी, तो इसमें मतलब जो सामान बेड सोफा तो सक तकिए सब कुछ रहता होगा? हाँ वही है। तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं रहता, अंदर रहे या बाहर रहे, कहीं भी रहे उसके कोई वो नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये समय पेड़ पौधे हैं, आम लगे हैं, तो भाई देखना है। हाँ हाँ हाँ, बाहर का भी तो आम अपना है, उधर 2 बीघा की बाग है। अच्छा अच्छा, ये भी है। तो अच्छा, जब आती होंगी सवाना आदमी तो गांव वाले मतलब मिलने वगैरह, यहाँ तक तकरीबन कुछ तो कुछ भीड़ जुड़ जाती होगी?
हाँ भीड़ तो देखने के लिए, देखने के लिए भीड़ तो होती है। हाँ मिलने जुलने के लिए लोग काफी उत्साहित होते होंगे और लाइन लग जाती होगी पूरा। हाँ पूरी लाइन रहती है, लाइन लग जाती है। अच्छा आती होंगी तो सिक्योरिटी फोर्स वगैरह लगे रहते होंगे? कुछ नहीं, आम मतलब आम नागरिक की तरह आती हैं, आम नागरिक की तरह चले जाते हैं। वही आम आदमी की तरह आते थे जाते थे। अच्छा, लेकिन इनके मिलने के लिए तो डीएम जरूर आते थे। अच्छा डीएम आते थे, इनसे कोई डीएम बचा नहीं है तो जो इनसे मतलब मिलने ना आया हो, ना आया हो मतलब कोतवाली और तहसील की बात को छोड़ के मैं डीएम की बात करता हूं। अच्छा डीएम की मतलब छोटे अधिकारी की बात छोड़ो, दरोगा पुलिस वगैरह सब एफडीएम वगैरह छोड़ो, मतलब डीएम आते थे। डीएम मिलते थे। तो जो उनके बगल में प्रतिमा लगी है फतेह हुसैन की, वो कौन है? पिता है उनके। अच्छा कैफी आजमी साहब के पिता है। जी जी जी। तो अभी मतलब वो तो फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन उनकी जो बेटी है सबन आजमी वो इनके काम को बढ़ा रही हैं। अच्छा मतलब और बढ़ावा दे रही हैं। बढ़ावा दे रही हैं, जो काम ये किए थे शुरू किए थे उसको वो ऊंचाई तक ऊंचाई तक जा रहे हैं। तो जैसे हमारा कहना है हम किसी भी कर्मचारी को किसी नौकर वगैरह कोई तकलीफ नहीं होती आज भी। जो जिनकी तनख्वाह है वो समय से मिलती है, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती। जो मैनेजर वगैरह सब अटेंड करते हैं, कोई किसी तूतू मैं झगड़े टकरार नहीं होती, कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, नहीं सब अपना अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद, देख सकते हैं आप। और आपने सुना भी कितने बेहतर तरीके से चाचा जी ने उनके बारे में बताया, और ऐसे लोग हमारे देश में, हमारे देश के लिए गर्व की बात है हमारे देश में हो, और इनको देख के और भी हीरो हीरोइन जो है अभिनेत्रियाँ वगैरह हैं बॉलीवुड के जितने स्टार हैं, अगर कुछ न कुछ अपने गाँव के लिए कुछ करें, अपने समाज के लिए कुछ करें, तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। दोस्तों हमें बहुत खुशी हुई ऐसे नज़ारों को देख के, और दिखा सकते हैं देखिए कितना बेहतर बिल्डिंग का नज़ारा है और कितना बढ़िया हरियाली के माध्यम जैसे पार्क में लगी रहती है, नीचे दिखा सकते हैं। अब देखिए सब सारी चीज़ें चाचा जी कह रहे हैं हम अपने हाथों पर लगाए हैं, यहाँ बिल्डिंग के माध्यम से आरी आरी जो सजावटें हैं, बागवानी लगी है, और नल का भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी चीजें हो और सिंचाई के लिए पानी की जरूरत हो तो आप उसके माध्यम से सींच सकते हैं। और देखिए छोटे छोटे गमले में छोटे छोटे फूल हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल्डिंग में और इतने बेहतर मकान में जो तस्वीरें लगी हैं, और आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें हैं, और इधर उनके पिताजी की तस्वीरें हैं तो बता नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तस्वीरें तो बहुत सुंदर हैं। और देखिए किस तरीके से ये भी जो पुतले बने हैं शायद उन्हीं के किसी ना किसी रिलेटेड से आते हैं। तो चाचा ये किसका पुतला है? अच्छा अच्छा उनके फतेह, अच्छा फतेह हुसैन उनके हाँ, अच्छा कैफी आदमी साहब के पिताजी हैं। आइए हम दिखा रहे हैं आपको कितना बढ़िया नजारा है, और आप देख कर कहीं कहीं आप यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतने बढ़िया बिल्डिंग है। दोस्तों आप देखिए कितना शानदार यहाँ का नज़ारा है, और एक बार आपको देखने के बाद आप खुद मन भावुक हो जाएंगे। और देखिए जो बिल्डिंग बनी है, यहाँ रहने वाला कोई नहीं, लेकिन यहाँ जो उनके नौकर चाकर हैं उनके लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था कराई गई। यहाँ बाथरूम है और फ्रेश होने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए सब कुछ है, सारी सुविधाएं दी गई हैं, और देख सकते हैं यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि धीरे कैमरे के जरिए यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है आप देख सकते हैं हल जो किसानों का होता है और किसान से रिलेटेड होता है देश का हल, और जिससे सिंचाई विभाग से लेके जो खाद्य पदार्थ होती है, जो बुआई होती है, तो हाँ उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। कहीं कहीं आज के जमाने में मतलब अजूबा हो जाएगा, और आप देखकर चौंक जाएंगे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े किसान उनके घर में नहीं मिलते, लेकिन इन्होंने कैसे संभाल के रखा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप बताइएगा क्या है और इससे क्या होता था, आप जरूर बताइएगा एक बार। और देख सकते हैं भारत के संस्कृति में, भारत की किसान जो किसान देश की संस्कृति है, भारत की सबसे बड़ा जो कि ऐसा चीज है जिसे आप देखकर चौंक रहे होंगे, और खुशहाली कहीं कहीं आपको आ रही होगी। और देख सकते हैं यहाँ की जो मतलब उनके नौकरी के लिए व्यवस्था बनाई गई है, कहीं कहीं बहुत बढ़िया है। आइए हम पीछे से भी दिखाते हैं आपको कितना बढ़िया सीन है, नजारा है यहाँ। देख सकते पीछे की तरफ से बिल्डिंगों में चारों तरफ से बिल्डिंग लगाई गई है, और बाउंड्रीकरण किया गया है ताकि बिल्डिंग के उनके कोने कोने और आस पास कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना होने पाए, बाउंड्री जब रहती है तो घर सेफ रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, इस वीडियो में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। और कैमरे के जरिए एक बार फिर से हम नजारा दिखा दे रहे हैं,
और यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा है और साथ ही बाथरूम है, उसी का जो टंकी है दोनों बगल में समरसेबुल लगा है इसको सिंचाई के लिए यहाँ पे, और बहुत बढ़िया दृश्य है, बहुत बढ़िया नज़ारा है, कितना मनभावन दृश्य है आप देख सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ें आपको दिखाए हैं ताकि आप भी देखकर अगर ना पहुंच सके तो कम से कम इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। एक कैफी आजमी साहब हैं, सबाना आजमी जी के पिता हैं और इनके पिता ये हैं फतेह हुसैन साहब। तो दोनों के सब के सब मतलब कहीं 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 वीआईपी और बेहतर घरों से आते हैं और अच्छे खानदान से आते हैं, और इनका नाम भारत के उन बेशुमार नामों में आता है, शायर में आता है कैफी आजमी साहब का, जो आज यहाँ पे मिलने के लिए अगर आते थे तो और रहते थे बड़े बड़े हफ्तियों की लाइन लगती थी इन्हें देखने के लिए। तो हम चाहेंगे एक बार फिर से आप जरूर इस पर जिक्र करिएगा और बात करिएगा, और जो कैमरामैन से हम चाहेंगे कि आप इनके द्वारा जो फोकस किया गया है आप इस पर जरूर गौर करिएगा, किसका घर किसका मकान है, आप इस दृश्य पे आप इस मनभावन थैंक यू दोस्तों, आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको दृश्य कैसा लगा, जो भारत की बहुचर्चित और अभिनेत्री हैं।